सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। जरा सोच के देखिए कैसा होगा जब लोगों के बीच एक ऐसी बीमारी फैलने लगे जो उनकी इंसानियत को मिटाकर उन्हें एक मॉन्स्टर में बदल दे। आज की कहानी आपको वही बताती है कि कैसे एक चमगादड़ से फैले वायरस ने पूरी इंसानियत को अपने घुटनों पर गिरा दिया। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं जो कि एक कागज पर कुछ लिख रही थी। इसके बाद वो अपने रूम से बाहर जाती है और जैसे ही सूरज निकलता है वो लड़की जलकर मारी जाती है। इसके बाद मूवी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और हमें बताया जाता है कि एक बैट की वजह से पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया है जिससे सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और वो सभी वैम्पायर्स में बदल रहे हैं। उन सभी वैम्पायर्स को जिंदा रहने के लिए इंसानी खून की जरूरत है और अब इस दुनिया में वैम्पायर्स और इंसानों ने एक साथ रहना सीख लिया है। सभी वैम्पायर्स रात में बाहर आते थे और इंसानों की तरह ही एक आम जिंदगी जीते थे, लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि वैम्पायर्स की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है और अब इस दुनिया में लगभग 5% ही इंसान बचे हैं। इधर हम ये भी देख पाते हैं कि इस दुनिया में सभी वैम्पायर्स के लिए ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा था और हम इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को देख पाते हैं जिसमें काफी इंसानों को बंदी बना रखा था और वो सभी उनसे जबरदस्ती खून को निकाला करते थे। इसके बाद हम डॉक्टर एडवर्ड को देख पाते हैं जो कि इसी कंपनी में काम करते थे। एडवर्ड एक साइंटिस्ट है और वो बायोलॉजिकल ब्लड पर रिसर्च कर रहा है। वो एक ऐसा ब्लड बनाना चाहता था जिससे वैम्पायर्स की भूख भी मिट जाए और इंसानों को मारना भी ना पड़े। इसके बाद हम उसी कंपनी के मीटिंग को देख पाते हैं जिसमें बताया जाता है कि खून की कमी की वजह से वैम्पायर्स मॉन्स्टर में बदल रहे हैं। इसके बाद उनका बॉस एडवर्ड से कहता है कि उन्हें जल्द ही नए ब्लड को टेस्ट करना होगा। एडवर्ड उन्हें बताता है कि अभी उस ब्लड का टेस्ट करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उसका बॉस उसकी बात नहीं मानता। जब वो लोग उस नए ब्लड को एक वैम्पायर में इंजेक्ट करते हैं तो वो वैम्पायर तड़पने लगता है और एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। एडवर्ड निराश होकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक कार को टक्कर मार देता है। जब एडवर्ड उस कार को देखने जाता है तो उसमें से एक लड़की एडवर्ड पर हमला कर देती है। एडवर्ड कार में एक फैमिली को देखता है जो कि पुलिस से बचकर भाग रही थी। असल में उस फैमिली के पीछे पुलिस पड़ी थी ताकि वो उन्हें पकड़ सके और उनके ब्लड को निकाल ले, लेकिन एडवर्ड उन्हें बचा लेता है। जब एडवर्ड अपने घर वापस आता है तो वहाँ एडवर्ड को उसका भाई मिलता है। असल में आज एडवर्ड का बर्थडे है। एडवर्ड का भाई उसके लिए प्योर ब्लड लाया था, लेकिन एडवर्ड उसे पीने से मना कर देता है, जिससे उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और एडवर्ड का भाई गुस्से में उस खून की बोतल को तोड़ देता है, जिसकी महक से एक मॉन्स्टर वैम्पायर वहां पर आ जाता है और उस खून को चाटने लगता है। एडवर्ड उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत डर जाता है। ये मॉन्स्टर इंसानों सहित वैम्पायर को भी मार सकते थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला करता है तो एडवर्ड उसे मार देता है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और जांच करने पर पता चलता है कि ये मॉन्स्टर पहले एडवर्ड का माली हुआ करता था, लेकिन खून ना मिलने की वजह से वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल गया। उन सबके जाने के बाद एडवर्ड के पास वही लड़की आती है जिसको एडवर्ड ने बचाया था। इस लड़की का नाम आर्डरी है और इसने कार में एडवर्ड के एड्रेस को देख लिया था और उसे ये भी पता चल गया था कि एडवर्ड एक ब्लड का डॉक्टर है। वो एडवर्ड को बताती है कि उसके पास इस बीमारी का इलाज है और वो उसे एक एड्रेस देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन एडवर्ड का बॉस उसे बताता है कि जितने भी अमीर वैम्पायर्स हैं वो सभी असल खून की मांग कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें जल्द ही सभी इंसानों को पकड़ना होगा। उसके बॉस के जाने के बाद एडवर्ड आर्डरी के बताए एड्रेस पर आ जाता है, जहां पर आर्डरी उसे एक और इंसान से मिलाती है जो पहले एक वैम्पायर हुआ करता था, लेकिन तभी वहां पर एडवर्ड का भाई भी आ जाता है। असल में जब आर्डरी एडवर्ड को सारी बात बता रही थी तब उसके भाई ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। एडवर्ड अपनी जान बचाकर भागता है, वहां पर मिलिट्री भी उन पर हमला कर देती है, लेकिन एडवर्ड उन सबके साथ भागने में कामयाब हो जाता है। इधर वो इंसान अपने बारे में बताता है कि वो पहले एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन एक वैम्पायर के काटने से वो भी वैम्पायर में बदल गया, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सूरज की रोशनी में जलने लगा, लेकिन सही समय पर वो पानी में गिर गया और बाहर आने पर वो देखता है
कि सूरज की रोशनी से उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये था कि वो वापस इंसान में बदल गया है। वो उन्हें बाकी लोगों के पास ले जाते हैं, जहां पर एडवर्ड अपना टेस्ट करना शुरू करता है। इधर कंपनी में खून की काफी कमी हो रही थी और अब कंपनी वाले जबरदस्ती इंसानों को मारकर उनका खून निकाल रहे थे। शहर में खून की कमी की वजह से सभी वैम्पायर्स कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। इधर हम दो लोगों को देख पाते हैं जो कि ऑर्डरी के साथ ही थे, लेकिन तभी वहां पर मिलिट्री वाले उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन सही समय पर वो दोनों ऑर्डरी को बता देते हैं कि मिलिट्री वालों ने उन्हें ढूंढ लिया है। तो ऑर्डरी बाकी बचे इंसानों को एक सेफ जगह पर भेज देती है और खुद एडवर्ड के साथ वहीं पर रुकती है। एडवर्ड खुद पर वही टेस्ट परफॉर्म करता है। पहले वो खुद को सूरज की रोशनी में जलाता है और उसके बाद अपनी बॉडी को पानी से धो लेता है। और हम देखते हैं कि उसका ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है और एडवर्ड भी एक आम इंसान में बदल जाता है। लेकिन तब तक वहाँ पर मिलिट्री भी आ जाती है, लेकिन वे सब उन्हें नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो सब तो पानी की टंकी में छुपे हुए थे। उन सोल्जर्स में एडवर्ड का भाई भी था और उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये लड़की तो खुद एडवर्ड की बॉस की बेटी थी। वो लड़की इंसानों को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसीलिए वो उन सभी के साथ रहने आ गई थी। लेकिन एडवर्ड के बॉस ने उसके भाई को ऑर्डर दिया था कि वो उसे भी काट के वैम्पायर में बदल दे, ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। और उसका भाई उसे काट लेता है, जिसके बाद वो भी एक वैम्पायर में बदल जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो इंसानों के खून को पीने से मना करती है और खुद का ही खून पीने लगती है। इधर शहर में किसी को खून ना मिलने पर सभी लोग मॉन्स्टर में बदल रहे थे, तो मिलिट्री को ऑर्डर दिया जाता है कि उन सभी लोगों को मार दिया जाए जो मॉन्स्टर बन गए हैं। मिलिट्री उन सभी को पकड़ लेती है और उन्हें सूरज की रोशनी में छोड़ देती है, जिससे वो सभी जलकर मारे जाते हैं। इधर एडवर्ड और आर्डरी उन जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने बाकी बचे लोगों को भेजा था, लेकिन वो सब तो पहले ही उन वैम्पायर के हाथों मारे गए थे। उन सब की ऐसी हालत देखकर आर्डरी बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद एडवर्ड अपने एक साथी को बताता है कि उसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। लेकिन जब एडवर्ड उसके पास जाता है तो हमें पता चलता है कि उसने एडवर्ड को धोखा दिया है और वो उन्हें मिलिट्री के हाथों पकड़वा देता है। असल में उसने आर्टिफिशियल ब्लड की खोज कर ली थी और वो नहीं चाहता था कि कोई भी वैम्पायर वापस इंसान बने। एडवर्ड और आर्डरी का साथी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आर्डरी उनके हाथों पकड़ी जाती है। इधर एडवर्ड का भाई उसके पास आता है और वो उन्हें बताता है कि वो भी उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो बहुत भूखा था तो वो आर्डरी के साथी के गले पर काट लेता है। इसके बाद से एडवर्ड उसे मारने वाला था कि वो देखता है कि उसका भाई भी अब एक इंसान में बदल गया है। एडवर्ड समझ जाता है कि अब उनके खून से ही सभी वैम्पायर्स को इंसान में बदला जा सकता है। वो अपने बॉस के पास वापस जाता है और उन्हें खुद को वापस वैम्पायर में बदलने को बोलता है। लेकिन जैसे ही उसका बॉस उसे काटता है, तभी वो इंसान में बदल जाता है। एडवर्ड उसे मिलिट्री के हवाले कर देता है और वो सभी उसे नोच डालते हैं, लेकिन वो सब भी उसके खून पीने की वजह से इंसान में बदल रहे थे। एडवर्ड आर्डरी को उन सबसे बचाकर भागता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड का भाई आ जाता है और वो सभी सोल्जर्स मिलकर उसे मार देते हैं। उसके खून पीने की वजह से वो सब भी इंसान बन गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर वही साइंटिस्ट आ जाता है और वो उन सभी सोल्जर्स को मार देता है। वो एडवर्ड को भी मारने वाला था, लेकिन तभी आर्डरी का साथी उस पर एक तीर से हमला कर देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। और इसी उगते सूरज के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।